हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान वर्सेस कोलकाता बीच में जो क्वालिफाई टू मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। इस मैच पे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही बड़ी जो BCOM जो है जीत सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो जो है लास्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि कल के मैच में जो फ्राइडे को मैच होने वाला है उस मैच में मैं जो गिव अवे का रिजल्ट जो अनाउंस कर दूंगा। उसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और बहुत ही ज़्यादा लोगों को मैं जो है विनर जो है डिक्लेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं इस मैच की, सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में। सो फ्रेंड दोनों ही टीमों ने जो प्रीवियस मैच था वो जीता है, तो दोनों ही टीम में शायद जो है कोई भी चेंजेस ना हो। तो लेकिन जो कोलकाता की जो एक प्रॉबली चांस है जो मैं कह रहा हूँ, हालांकि कहीं पे लिखा नहीं है और किसी ने अभी तक हालांकि ऐसा नहीं किया है, जीवन सेल्स की जगह जो है आप चाहें तो टॉम कुरान या फिर मिशेल जॉनसन को जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैच के लिए ट्राई किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान रॉयल्स जो है अनचेंज साइड हो सकती हैं, शायद ही वो लोग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम के बारे में। तो दोनों ही टीमों में जो है बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है, तो आप एक चीज़ ध्यान में रख के टीम बनाइए। राजस्थान के टीम में जो उनके दो विनर है जैसे जॉर्ज बटलर और बेन स्टोक, दोनों ही अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया है, पहले एक मैंने सेफ टीम बनाया है। सेफ टीम मतलब आपको जो क्रिस लिन, सैमसन, राहुल त्रिपाठी, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, सुनील नारायण, गौतम, जोफ्रा आर्चर, उनादकट, कुलदीप यादव, विदेश कृष्णा, ये जो प्लेयर है सारे के सारे लगभग आपको सेफ टीम में देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप लोग अगर स्मॉल लीग ज्वाइन करते हैं तो वहीं पे आपके पास जो है अराउंड 90% जो है स्मॉल लीग में जो है सुनील नारायण एज ए कैप्टन रह सकते हैं, या फिर सुनील नारायण एज ए कैप्टन लगभग कन्फर्म है, या फिर फर्स्ट कैप्टन जो है आप किसी में से बना सकते हैं। अगर एक दो चांसेस जो स्मॉल लीग में आपके पास जो हो सकते हैं वो शायद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को दिया गया होगा, या फिर जिनके रहाने हो सकते हैं, या फिर विकेट कीपर पे जो है क्लासिन हो सकते हैं। तो ये आपके लिए जो स्मॉल लीग के लिए जो ऑप्शन होगा। वहीं पे अगर मैं ग्रैंड लीग की बात करूँ, मैंने एक बहुत ही रिस्की टीम बनाया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सेम टीम जो है अपने डालो लीग पे, अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्योर आइडिया दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को लिया है, नीतीश राणा को लिया है और शुभमन गिल को लिया है। तो मैंने यहाँ पे ये सारे प्लेयर, ये तीनों प्लेयर मेरे पहले सेफ टीम में नहीं है। वहीं पे कलासिन को मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने कैप्टन आंद्रे रसेल को लिया है जिसे मैंने प्रीवियस टीम में जो है नहीं लिया है, सुनील नायर की गौतम को लिया है। बॉलर्स पे मैंने यहाँ पे चार बॉलर्स को लिया है, श्रेयस गोपाल, बेन लाउथिंग, प्रदीश कृष्णा एंड कुलदीप यादव। तो मुझे पर्सनली लगता है आप ज़्यादातर बॉलिंग के साथ जा सकते हो ग्रैंड लीग में, क्योंकि बॉलर्स आपको जो है ज़्यादातर पॉइंट दिला सकते हैं। दोनों ही टीमों के लिए ये डू और डाई मैच है, तो दोनों ही टीम जो अपनी बेस्ट कोशिश करेंगी इस मैच जीतने की। जो जीतेगा वो SRH के साथ आप कैसल खेलेगा, उसके बाद जो है चेन्नई सुपर किंग के साथ फाइनल होने वाला है। तो फ्रेंड अब मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।